सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई सब बहुत बढ़िया हो गया, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो भाई अभी हम फंसे हुए हैं दिल्ली के बहुत ही तगड़े जाम के अंदर। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं कितना भयंकर जाम हो रहा है। अभी यहाँ पर गुत्तम गुत्ती हो गई, ओ माई गॉड, निकल गए भाई। ओ भाई इतना ब्लर कैसे हो गया? वो शीशा गंदा हो रहा है, मुझे लगा वो ब्लर हो रहा है, शीशा गंदा हो रहा है, सॉरी। तो भाई अभी क्लास खत्म हो, क्लास करके आया हूँ। अब मैंने कहा यार सुबह सुबह ना मतलब टाइम ही नहीं मिला, मेरा गियर फंस गया, सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला। और मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो भाई सुबह निकल गया था घर से, तैयार व्यार होकर नाश्ता पानी करके क्लास के लिए, क्लास व्लास हो गई, अब जा रहा हूँ घर पे। वो पापा को मैंने बोली थी, मैंने कहा पापा मेरा एयरपॉड्स का वो करा दो काम, मतलब क्लास में मैंने फ़ोन करके बोल दिया। पापा कह रहे चल ठीक है मैं तेरा आज काम करवा देता हूँ एयरपॉड्स वाला, मैं जाता हूँ यहाँ पर सूर्या कहते हैं वो। तो आज भाई हो सकता है कि मेरे एयरपॉड्स या तो वो नए दे दें या फिर क्या होता है, तो आज देख लेते हैं क्या सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो बस मैं घर पहुंच गया, वो घर चल के दिखाता हूँ बाकी। भाई घर आ गए अपने वापस, और मेरे ने भी क्लास है यार, अभी कॉलेज की क्लास चल रही है, 2 घंटे की क्लास होगी। तो मैं जरा वो क्लास ले लूँ यार, आप लोग फिर दिखाऊंगा ना अपने आपको मैं आगे का सारा। और अभी देखता हूँ मम्मी, मम्मी खाने में आज मम्मी सो नहीं रही, आज मम्मी जगी हुई है, पता नहीं कैसे। आज क्या कैसे जगे हुए आप? हर बार तो सोते रहो जब भी क्लास से आता हूँ। हम लेट हो जाते हैं थोड़ा जल्दी आप आ गए, तो इसलिए अभी हम सोए नहीं। खाने में क्या है? खाने में क्या है? खाने तो मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि मैं बिरयानी बना देना। मैंने कह रहा था कल वर संडे को बनाएंगे। कौन था? नहीं बनाएंगे भाई, बनाएंगे भाई, पक्की बात है। हां हां बनाएंगे। अभी क्या खाऊं? अभी अभी सब खाना खा भी तो क्या खाने में देखो दोपहर में बनाया तो वही है भाई। बैंगन कौन खाता है यार, वो गंदे से बैंगन बना दिए अजीब से, वो मन भी ना कर रहा खाने का। मैं बैंगन बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं कुछ कुछ और बना दो यार। चलो भाई कोई बात नहीं, पास्ता पड़ा, पास्ता खाते हैं। चलो अच्छा भाई, तो थोड़ा सा ही है बट मेरा काम चल रहा है इससे, है ना। चलो आएंगे और फिर आप थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ, अपनी क्लास ले लूँ, क्लास चल रही है, क्लास आधी मतलब छोड़ी है मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बस। तो देखो तुम्हारा इतना तुमसे यार बस इतना कर दिया, अगर सब्सक्राइब का बटन है ना वो उसे टंग करके दबा दिया करो, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा, इतना काम कर दिया करो आप लोग। तो मैं ये खाऊं और क्लास ले लो। सो गाइस मेरी क्लास हो गई है ख़त्म, बच गए भाई 4 बज गए, 2 घंटे क्लास चली। आगे देखो कैसी हो गई, आंखें देख लो, नींद आ गई क्लास लेते लेते, बट क्लास हो गई है ख़त्म। अब भाई मैं सोच रहा हूँ भाई पापा लेकर आए थे देसी अंडे, अब तो मैं नहीं पता देसी अंडे क्या होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ देसी अंडे कैसे होते हैं। ये है भाई देख लो, देसी अंडे लाए पापा। अब तो मैं एक चीज़ करके दिखाऊँ, अब अगर समझ जाओ तो ठीक है, वरना भाई पोको देखो। बट ऐसी कोई बात नहीं भाई, अभी सोच रहा हूँ आज देसी अंडे खाऊं, और देसी अंडे का प्लान बनाते हैं, है ना। अगर आप लोग समझ रहे हो तो भाई ठीक है, समझ जाना, कोई कमेंट मत करना, बस समझ जाना, अपने तक रखना भाई। वो मेरी बनियान दिख रही गाइस, ओ सॉरी। पापा शाम तक कहेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि एयरपोर्ट्स का क्या सीन है। बस मेरा जिम जाने का मन भी नहीं करता, तो जिम जाऊँ नहीं जाऊँ देखूँगा जिम जाने का, वरना फिर शाम को बाद कहीं चलेंगे थोड़ा सा। भाई शाम हो गई यार, थोड़ी देर सो गया था, अब मम्मी गया, मम्मी भी सोई थी अभी, तो मम्मी कहती कि तो थोड़ी चाय बना रही सबके लिए। मैंने अरे यार ये बनियान अभी भी दिख रही है तो मत देखो यार, मम्मी के लिए चाय बना दे। मैंने ठीक है, आज तो मैं भी दिखाता हूँ कि तुम्हारा भाई चाय कैसे बनाता है। स्किप मत कर देना भाई वीडियो को यार, कि तुम तो चाय बनाना दिखा रहा है, देखो चाय बनाएंगे बढ़िया, तुम भी सीख जाओगे कि बढ़िया चाय कैसे बनाते हैं। तो चाय देखो कैसे बनाते हैं भाई, हमने पतीला चढ़ा दिया अपना, मतलब ये जो भी है जिसमें आप चाय बनाओगे वो बनाना। और भाई सिस्टम ले लिया हमने अपनी, ये सामान 2 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी अदरक, इसमें दूध पानी। तो भाई मैं बना रहा हूँ 4 कप, तो भाई इसमें आप अपने सबसे भाई 4 कप हिसाब से बंदों को पानी हो गया, ठीक है। अब सारा सिस्टम डालेंगे इसके अंदर, ये अदरक, 2 इलायची, भाई लौंग, लौंग को इतनी इज्जत क्यों है ना, सही बात है, लौंग को ऐसे डाल दो। या लौंग डूब गई जैसे तैर रही है अकेली, तेरे साथी को भी भेज रहा हूँ अभी, इसको भी कूट देते हैं, इसको कूट कूट के मसाला बना लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको इसमें डाल के थोड़ा तेज कर लेंगे, इसको फिर हम थोड़ा देर बॉईल करेंगे, ठीक है। लौंग लौंग कम
ओहो छुप गई इधर। चलो इसमें ये भी डाल देता हूँ भाई, सारा सिस्टम डाल दिया इसमें। अभी थोड़ी देर पकेगी, थोड़ा ये इसका पानी ना येलो हो जाएगा, पानी येलो होते ही उसके बाद दूध डालेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। भाई खुशबू आ रही इतनी बढ़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम यार कैमरे में ना काश, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको मैं खुशबू भी सुना सकता, कोई नशा हो गया खुशबू सुनते ही। तो भाई इसके अंदर देखो उबाल आ गया, देखो देख सकते हो ना पानी कैसा येलो सा हो गया उसका, मतलब रस ने रखना अदरक ने रस छोड़ दिया अपना बढ़िया। तो इसमें अपनी थोड़ी सी चाय पत्ती करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देते हैं इसमें। तो भाई इसमें हमने अपनी चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी, सब सामान डाल दिया। अब बस थोड़ी देर पकने देंगे कि थोड़ी सी ना रंगत थोड़ी चाय पत्ती खुल जाए इसके अंदर, तो पत्ती अपना थोड़ा टेस्ट छोड़ दे। तुम भी क्या रहे कौन भाई, तुम कत्ती संजीव कपूर रखे यार, है ना। मैं हूँ भाई, हम चाहते थे हम शेफ बनना चाहते थे, बट अब हम यूट्यूबर बन रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट करो यार, यूट्यूबर बनवाओ बने भाई को, जल्द से जल्द करवाओ, सब्सक्राइब कर दो बस, और कुछ नहीं है। ये देखो भाई चाय की रंगत कितनी प्यारी आई है यार, क्या उबल रही है, मजा आ गया देख के। हैं बस अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। चाय बन गई, हो गई है तैयार बिल्कुल। ओए होए क्या रंगत आई है, मम्मी लाई है छोटे छोटे बिस्कुट लाए, वो लाते ना आटे वाले, कौन से महंगे वाले बिस्कुट लाते। हर एक बार खोलो तो चल। ओके सही है, फिर चाय पी के बताओ मम्मी कैसी। दादी जल्दी आओ चाय पी के बताओ। आ गई भाई, चाय पी के बताओ कैसी बन रही है, बनी है। सो सो के उठे चाय पियेंगे भाई। ओहो चाय, नेता आया हमारे घर में है। क्या कर रही हो, इतना देर हो गई मम्मी तुम्हारे को। एक बार तेल खोल रही हूँ, हम तो खुद भी खोल लेते हैं। दादी भाई, दादी ना एक गिलास में पीती, पता नहीं क्यों, बहुत पुराने जमाने की मेरी दादी कहती मैं तो गिलास में पीऊंगी, कप में नहीं। पी लो, चलो चलो तब तुम भी तो पियो, पी के तो पता है। पी के बताओ कहती घूट कैसी है, चाय पी के बताओ अब सीधा बस। किन्ने बनाई है, मैंने तेरे हाथ की है, वाकई में चाय। अरे मैंने बनाई है मम्मी, आप भी बताओ रिव्यू कैसा है चाय का। ऐसी लग रही है दाल रबड़ी है, रबड़ी इतनी मीठी ज्यादा हो गई क्या, मीठी नहीं बढ़िया। अच्छा जैसे रबड़ी बड़ी लगती, चाय बढ़िया लग रही है। भाई देख लो चाय इतनी बढ़िया बनी, आप भी ऐसी चाय बनाना, मजा आ जाएगा, घर वाले भी खुश सब खुश। मैं भी जरा चाय पी लूँ। तो भाई थोड़ा बाहर आया था यार, घर घर में बोर हो गए, तुम भी घर घर में, मुझे भी देख के पक गए हो गए। तो मैं तो घर घर के दिखाता, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि तो घर घर के बहुत दिखाता है। मैं भी यही बात बोलता हूँ। अब भाई तुम ही बताओ यार, देखो क्या करें अभी। तुम मैंने तुम्हें बोली थी कि भाई मुझे कॉन्टेंट बताया करो, तुम्हें क्या क्या देखना, तुम बताते भी नहीं हो। ठीक है अब थोड़ा बाहर आया हूँ, ये आगे कह रहा था थोड़ा चल रहे कुछ खाने पीने, मैंने कहा चल। अब गौरव भाई का फ़ोन आ गया कि भाई तू कहाँ है, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आ जाओ यहाँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो गौरव भाई भी आ रहा है, फिर चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए सीधा अपनी वही जगह पे। आज भी चटपटे अंडे, आज भी चटपटे अंडे खाएगा यार, आज अंडे खिला। आज दूसरी जगह से खाएंगे, आज दूसरी उसके चटपटे, इतने चटपटे नहीं खाऊंगा, बहुत चटपटे अंडे थे यार। आज कहीं और चलेंगे गौरव भाई, यार उसका वेट वेट कर रहा हूँ बस, आता मैं अपनी। तो आ गए अंडे खाने के लिए, गौरव भाई भी आया नहीं है, उसका फोन कर रहा हूँ कह रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अब तक तो आया नहीं है। तो हम तो आ गए, मैंने कहा भाई तुम डायरेक्ट वहीं आ जाना, हम जा रहे हैं। तो अंडे हमारे हो रहे हैं भाई, अंकल बना रहे हैं वहाँ पे भाई, पर ये ज़्यादा चटपटे नहीं है। और देख रहे हो नाम वाले अंडे हैं, नाम लिख रहा है अंडों में, नागपाल नागपाल के अंडे हैं। अब अंडे आते फिर खाते हैं भाई, आपको बताएंगे इन अंडों का रिव्यू। चटपटे हैं यार, सही थे हाँ भाई, ये भी ज़्यादा चटपटे हो रखे हैं, ये सही है ना, ये सही है भाई, ये वाले बढ़िया अंडे हैं यार। और तू बड़ी बात गा रहा था उस दिन, चटपटे ये उतने नहीं है भाई, इतने वो वाले थे। अब भाई तुम्हारा क्या कहना है, ये ज़्यादा चटपटे हैं, ये तो बढ़िया ही हैं, ये है ही बढ़िया। ये अंडे अच्छे ये, और नाम उस पर नाम लिखा हुआ अंडों पे, क्या अंडों पे नाम लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ कि नागपाल गंडे हैं, नागपाल गंडे हाँ नागपाल गंडे सही में देख लो नागपाल नागपाल। भाई एकदम से कहना बन गया, भाई आ रहा है मुझे आईफोन लेना, मैंने कहा चलो भाई आए हैं तो यहीं पर देख लेते हैं आईफोन भी, तो अभी स्टोर पे आए हैं। ये तो भाई 12 है ना,
इसका चल रहा है 1.14 मतलब 15 भाई इधर है बड़ी तो उसकी जीबी का ये 128 वाला है ना हाँ वो तो नीचे और इसमें मतलब वो HDFC से 5% कैशबैक का भी है ना इसमें नहीं है SBI जो है इसमें कोटक का स्टेज बाकी भाई 13 बहुत क्लासिक हो गया और ब्लर हो जाता है मेरा तो बहुत ह्यूज है बट सब भाई बढ़िया है अगर भाई लोगों की सपोर्ट हो इसका चैनल 1,00,000 भाई मेरी वही चल रही है प्लानिंग ही कौन सा लेना तुम्हारा कौन सा सोचा फिर यही सोचा मम्मी दे ये खाना और मम्मी इधर तो आओ ऐसे क्यों भागती क्यों रहती तुम इधर से उधर उधर से इधर भागती रहोगी क्या करे तो भाई खाना ना पड़े बच्चों को खाना में क्या बनाया चिकन चावल बनाया चिकन राइस भाई हम फुल एकदम प्रोटीन कार्ब्स दे रही हूँ मम्मी कती एकदम अच्छी का ना खाना वाना खाता हूँ आई होप आपको और ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय लव यू गाइज़